हेलो स्टूडेंट्स, नीट का 2018 आज कंडक्ट हुआ है। कोड एच सॉल्व कर रहे हैं अपन और फिजिक्स के पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है एक बैटरी है, इसके पास कई सारे एन नंबर्स में आइडेंटिकल सेल्स लगे हुए हैं। सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर दे रखा है और सारे के सारे सेल्स सीरीज में लगे हैं। बेसिकली ये सेल्स इन सीरीज का ही थ्योरी क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या हो रहा है, एक सेल अज्यूम किया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस माना, फिर से एक सेल मान लेते हैं। तो ईएमएफ मान लो E और यहाँ कर लो छोटा सा R, इसके पास भी क्या होगा E और R। ऐसे करते करते बच्चों हमें जानकारी नहीं है कितने हैं, तो लिख दिया अप टू N। और बच्चों यहाँ पे फिर से एक लास्ट में आ गया, इसके पास भी R है और ईएमएफ E है। कहता है सीरीज में लगे हैं। टर्मिनल्स जो बैटरी के हैं, लेट्स से ये बन जाएगा A टर्मिनल और एक लास्ट बन जाएगा B, और ये पूरा एक बॉक्स के अंदर आपके कई सारे सेल्स लगे हुए हैं। सिंपल हो गया बच्चों यहाँ तक ये, ठीक है। ये आप लोगों का पूरा एक बैटरी बना दिया। टर्मिनल्स को शॉर्ट कर रहा है, दैट मींस एक रेजिस्टेंस नहीं लाया, सीधा इसको शॉर्ट कर दिया है। तो ये जो बैटरी है ये किस तरह बन रही है, देखो सीरीज में है सारे लोग, तो एक कंबाइंड ईएमएफ मान लेते हैं, वो हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई, और कई सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। देखो R का टर्म है, ये भी R का टर्म है और ये भी R का टर्म है, सीरीज में क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा एक रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा N टाइम्स ऑफ R, ठीक है। और करंट I मिल रहा है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट बता रहा है I और नंबर ऑफ सेल्स के, ठीक है। और ये कनेक्टेड है इस तरह से बच्चों, करंट का फॉर्मूला होता है, लिखते हैं इसको अपन लोग नेट, डायरेक्ट भी कर सकते थे, नेट ई एम एफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है और ईएमएफ कितना हो रहा है, ईएमएफ आ रहा है अपने पास एन टाइम्स ऑफ ई, ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ आर। एन तो यहाँ पे रिलेशन दे ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, आई इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो ग्राफ्स में अपने पास फोर्थ नंबर का ग्राफ सही जा रहा है, यहाँ पे आई और ई का कोई रिलेशन नहीं है, आई हैज नो रिलेशन विद एन, ठीक है। स्लोप यहाँ पे कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।